अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने बर्डनामा की पिछली वीडियो में कहा था कि जो भी स्नूकर ग्रुप की बर्ड वालों से रिलेटेड गैदरिंग्स होंगी उनकी वीडियोस बना के बर्डनामा के प्लेटफॉर्म से वो भी शेयर की जाएगी आपके साथ, तो आज हमें फैजी भाई ने दावत दी है लक्ष्मी चौक में काका गुर्दा कपूरा चांप और टकाटक वाला है उसके पास हम जा रहे हैं। ये याद भाई ने मुझे भी पिक किया है। गुर्दा कपूरा नहीं खाएंगे लेकिन हम चांप खाएंगे, मगज खाएंगे और कीमा खाएंगे। तो ये अभी हमारा सफर जो है वो उसका आगाज हुआ है। अभी वहाँ पहुँच के तो इंशाल्लाह आपको सारा दिखाएंगे क्या एक्टिविटी हुई है, कौन कौन आया है, गपशप इंशाल्लाह। ये जी खाबों के शहर जिंदा दिलाने लाहौर, ये हम ये काका गुर्दा चांप पे आ गए हैं। बड़ी मशहूर दुकान है और अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी हस्तियाँ यहाँ खड़ी हैं जी। ये देखें जी, मलिक जैन साहब यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, ये मुदस्सर शफीक भाई हैं, मोहम्मद अली भाई, ये होस्ट है, ये जी होस्ट है आज के फैजी महमूद, ये मियाँ फहद साहब खड़े हैं, ये अली अरशद भाई हैं फूड एंड बेवरेज के सेक्रेटरी, बाकी और जो एक और ये एक और ये है और एक मिनट ये देखें जी, ये लक्ष्मी चौक और ये अली भट्ट साहब है जी, ये भी पीलो की तैयारी कर रहे हैं, ये भी बना रहे हैं। ये देखें जी ठीक है, शुक्र अल्लाह का ये देखें जी, हम टकाटक भर रहे हैं। ये काका गुर्दा चांप शॉप है, ये लाहौर का हर बंदा जानता होगा जी, टकाटक यहाँ भर रहे हैं। ये सामने वो बट स्वीट है और ये लक्ष्मी चौक है मशहूर जमाना। ले जी, आज जैसे आपको मैंने बताया था कि फैजी भाई की तरफ से काका गुर्दा चांप जो लक्ष्मी चौक में है वहाँ पे दावत दी गई है, तो ये स्नूकर ग्रुप वाले तमाम दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये सब भी अपने बर्ड की और शेड की वीडियोस बना के अपलोड करेंगे, लेकिन चूंकि आज यहाँ खाने में बैठे थे तो मैंने कहा रैंडम जो है वो आपस में गपशप हो जाए, ताकि आपको भी पता चले कि जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं तो बातें क्या होती हैं। तो मलिक जैन से शुरू करते हैं। मलिक जैन, आप बताएं आप इस सीजन में क्या ब्रीड करवा रहे हैं, ब्रीडिंग सीजन आपका कैसा जा रहा है और क्या देखते हैं आपके फ्यूचर में, कौन सी म्यूटेशन जो है उसका साल रहेगा अगला। अस्सलाम वालेकुम। इस साल इंशाल्लाह पेल फेलो अपलाइंस हैं, ब्लूटूथ में पेल फेलो अपलाइन होंगे इंशाल्लाह, डन फेलोज हैं डन फेलो अपलाइन होंगे, अल्लाह ने चाहा तो ब्लूटूथ में भी आएंगे। इसके अलावा एक्वा नई म्यूटेशन आई थी वो भी ऐड की है, एक्वा अपलाइन पेल फेलोज हैं और सिंपल अल्बाइनोज अल्बाइनो ब्लूटूथ कमर्शियल आइटम्स आ रही है। और इस साल जो पीक पे अगर आप कहें कि जो मोस्ट डिमांडिंग अगर बर्ड होगा तो मेरी नज़र में वो डन फेलो होगा। वो डन फेलो होगा जी, ठीक हो गया। ये मुदस्सर भाई शोज के हवाले से आप इन्हें जानते हैं, शो ब्रीडिंग पे बहुत फोकस करते हैं और मल्टीपल टाइम जो है वो टाइटल भी जीत चुके हैं, इनसे जानते हैं कि इनका फोकस इस साल किस चीज़ पे है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस दफ़ा भी लास्ट ईयर की तरह ही अपलाइंस पे पहले तो फोकस है, शो क्वालिटी अपलाइंस पे, फिशरीज पे, उसके अलावा कमर्शियल जोन से हैं अल्बाइनोज और क्रिमिनोडेकिनोज वगैरह ब्लूटूथ, और उसके साथ साथ डन फेलोज के कोई चार के पेयर ऐड किए हैं, कुछ स्प्रिट बनाने के लिए, कुछ विजुअल्स के लिए, तो देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, बेहतरीन चल रहा है फिलहाल। ले जी, अब पूछते हैं मास्टर ऑफ ग्रीन फिशर, चैंपियन इन ग्रीन, ओ वाओ, फैजी भाई आपसे अलग सा सवाल करेंगे कि आप इतनी देर से अच्छे बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, आपके शेड में भी लेसर बर्ड जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे जब बर्ड रिक्वायर्ड करें, तो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे कोई लेसर बर्ड मिलेगा? नहीं, लेसर बर्ड बिल्कुल निकलते हैं मेरे पास, लेकिन मैं अपनी बात नहीं करूँगा, फ़र्ज़ करेगा कि एक नया शौकीन है वही बर्ड ब्रीड करवा रहा था, उसके बाद जो खरीदारी के लिए जाएगा ना वो उसको बोलेगा मुझे टॉप बर्ड चाहिए जी, चाहिए लेसर की प्राइस, प्राइस लेसर की हो लेकिन बर्ड टॉप चाहिए, तो मेरे पास तो जो बंदा आता है वो आता है इसी नीयत से कि मुझे टॉप बर्ड चाहिए, लेकिन कहता है पैसे लेसर वाले ले लो मेरे से, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी प्राइस पे सेल कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेसर बर्ड हर बंदे के पास निकलते हैं, वो शेड में पड़े रहते हैं, किसी यार दोस्त को नया शौकीन आता है, कोई नया शिविर होता है बंदा उसको दे देता है, उसको अच्छा रिजल्ट भी आता है, बस दुआएं देता है। नहीं, हाँ, लोगों का तो परसेप्शन है कि फैजी में मुंह से वाइल्ड टाइप मिलेगा तो वो महंगा ही मिलेगा, वाइल्ड टाइप तो मेरे पास फर्ज करेंगे वाइल्ड टाइप अगर मेरे पास मुझे ब्रीड करवाते हुए 8 साल हो गए, मेरा जो वाइल्ड टाइप लेसर बर्ड भी है ना मेरी नज़र में वो बेहतरीन बर्ड होता है, तो वो लेसर मेरी नज़र में नहीं होता, लेसर लेसर कह भी रहा हूँ तो वो बर्ड मेरा 50K का बर्ड है।
चले शुक्रिया फैजी। ले जी अब बात करते हैं अब बेबी ऑफ स्नूकर ग्रुप मियां फाहद साहब से। माशाल्लाह ये फंडा आपकी अमेरिका को क्या है वो ये अली भट्ट के साथ इनकी कोलैबोरेशन है एफ एंड ए। तो फहद भट्ट साहब से पूछते हैं, फहद भट्ट साहब आपने बर्ड अपना बर्ड रूम रेनोवेट भी किया है तो नई चीजें क्या क्या ऐड की हैं इस साल? अस्सलाम वालेकुम। इस साल हम लोगों ने डनफेलो ऐड किया है, एकोमोडेशन जो नहीं हुई है वो हम लोगों ने ऐड की है। इसके अलावा अल्बाइनो ब्लूटूथ हैं, इसके अलावा पेलफेलो ब्लूटूथ में इंशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं, और इसके अलावा ब्रॉन्ज फेलो लगाया हुआ माशाल्लाह इस दफ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सीज़न चल रहा है फ़िलहाल, बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा। चलो जी बेहतरीन हो गया। ये अली अरशद भाई एलएसबी के फूड एंड बेवरेज सेक्रेटरी हैं, ये न्यू कमर है हम सब में, अयाज भाई से थोड़े सीनियर हैं लेकिन न्यू कमर ही हैं। अली अरशद भाई आप कैसे फील्ड में आए और कैसे आपको शौक पड़ा बर्ड्स का और कब से आप ब्रीड करवा रहे हैं ये भी बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बर्ड्स का जो शौक है जैसे कि अभी आपने पहले देखा अली मुजफ्फर भाई हैं, अली भट्ट है, इनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, तो इन लोगों ने बर्ड्स की हॉबी स्टार्ट की थी, तो इनकी बातें सुन सुन के जो है वो मैं एक ही बात इनको कहता था कि यार यहाँ से मेरे सामने गल्ला ना करया करो या मैनू भी बर्ड्स लवा दो, तो बातें करना तो नहीं इन्होंने ख़त्म की, खैर मुझे भी अपनी बातों का हिस्सा बना लिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी हॉबी है मैं समझता हूँ ये, और इस हॉबी का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है आप अर्निंग आपकी बाद में है, हॉबी बाद में है, जो लोगों के साथ एक अच्छा ताल्लुक बना है, एक मोहब्बत मिली है, वो आउटस्टैंडिंग है इस हॉबी का। मैं इस हॉबी का बेस्ट पार्ट ये समझता हूँ कि जो लोगों से प्यार मिला है वो आपकी अर्निंग से कहीं ज़्यादा है, अर्निंग तो एक सेपरेट चीज़ है। और अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया है तो इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, जैसे सबकी गाइडलाइन थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें मज़ीद सब भाइयों की रहनुमाई से ऐड करते रहेंगे। शुक्रिया। नहीं नहीं जज़ाकअल्लाह। अब आपकी आपको सुनवाते हैं जो चार्मिंग बॉय हैं आजकल, जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे वायरल शख्सियत हैं, जो शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं। हर फैंसियर बड़ा हो छोटा हो पुराना हो नया हो उसकी जुबान पे एक ही नाम है, अयाज अनवर भाई। जी अयाज अनवर भाई जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उधर देख के बताएं क्या ब्रीड करवा रहे हैं, क्या इलाज करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, शौक कैसे बढ़ा? अच्छा सवाल आपका। शौक तो आपको पता है कि शुरू स्टार्ट करते से लोगों ने बजरी रखे होते हैं इस तरह से, तो वहाँ से करते करते फिर वो वीडियोज़ वगैरह देखी, फिर आप लोगों से इंटरेक्शन हुई, फिर उसके बाद बर्ड रखे, तो जब भी इतना पता नहीं था तो फिर अभी मैं लेंगे अभी स्टार्ट में हूँ तो मैंने क्रीमिनो डेकिनो सॉरी क्रीमिनो टू डेकिनो अल्बाइनो टू क्रीमिनो बारबिटेटो सिंपली टू अल्बाइनो रेड आइस, उसके बाद अब माशाल्लाह से मैंने पेलफेलो के वो पेड़ ऐड किए हुए और ब्लूटूथ की वर्किंग मैंने स्टार्ट की हुई है, और इसी तरह से आगे इंशाल्लाह तआला फर्दन बंदा भी सीखता भी है और फिर बढ़ाता भी है, और ब्रीड भी माशाल्लाह से आनी स्टार्ट हो चुकी है और वो माशाल्लाह से बेहतर है काफ़ी, बहुत पिछले साल से तो बहुत बेहतर आ रही है, तो इंशाल्लाह तआला मज़ीद इसको बढ़ाएंगे और ये बड़ा मज़ेदार किस्म का काम है और बड़ा इन्जॉय करने वाला काम है। नहीं तो ब्रीड क्यों करवा रहे हैं ये भी बताएं। ब्रीड मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक तो इनको बढ़ाना है और फिर इनको बेचना है और फिर खुद को बढ़ाना है। नहीं ये आप कहें कि मैंने लोगों को नहीं हरी खानी है इसलिए ब्रीड करा भाई। यार भाई वाले बड़े अच्छे शौकीन हैं, बड़े मोटिवेटेड हैं इस फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह इनका बिजनेस ही बहुत अच्छा है जो पेपर का बिजनेस है इनका, लेकिन ये फिलहाल बर्ड को समझ रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर के ये स्टार हैं लवबर्ड के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। नहीं जी अब एफ एंड ए आइवरी में जो आपने फहद से तो बात कर ली, अली भट्ट साहब से आपकी बात करवाते हैं। अली भट्ट साहब एफ एंड ए आइवरी की जो कोलैबोरेशन है उसमें एक सीनियर मेंबर के तौर पे हैं, यानी कि सीनियर पार्टनर हैं वो। बेबी जो है वो चूंकि अभी बच्चे हैं कम उम्र हैं, वो उनको गाइडलाइन जो है वो सारी अली भट्ट देते हैं। जी अली भट्ट साहब आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस है एक बच्चे के साथ पार्टनरशिप करना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस है और बड़ा अच्छा जो है वो हमारा ब्रीडिंग सीज़न भी चल रहा है और बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है। मेरा एक मैसेज है कुछ न्यू फैंसियर्स के लिए
अपने बर्ड्स को जो है वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करवाएं, और ये ना सोचें कि कोई बड़ा ब्रीडर है तो उसका बर्ड महंगा बिकेगा और आप छोटे ब्रीडर हैं नए हैं तो आपका बर्ड सस्ता बिकेगा। अच्छे बर्ड ब्रीड करवाएं, क्वांटिटी में ब्रीड करवाएं, तो आपको जो है वो अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो मेरी बस यही एक मैसेज था जी आप सबके लिए। जो अली भट्ट ने एक बात की है कि चाहे नया फैंसियर है, जब आप क्वालिटी वाला बर्ड ब्रीड करवाते हैं ना तो फिर ये डिफरेंस खत्म हो जाता है कि कोई सीनियर फैंसियर है या कोई नया है। क्वालिटी बर्ड की डिमांड आप अपनी ही करते हैं, वो चाहे नए फैंसियर के पास हो चाहे पुराने फैंसियर के पास हो, तो इसलिए फोकस ज्यादा करें कि क्वालिटी ब्रीड करवाएं। अब आपकी बात करवाते हैं जो कैमरे के पीछे शख्सियत थी, LSP का शो गुजरा है, LSP की मीडिया टीम का इंटेग्रल पार्ट भी है और मुदस्सर शफीक भाई के पार्टनर भी हैं बर्ड ब्रीडिंग में। अब आप उनकी बात सुनेंगे कि उनका एक्सपीरियंस LSP वाला कैसा रहा और बर्ड ब्रीडिंग के हवाले से वो अब क्या कर रहे हैं। ये जी मोहम्मद अली भाई, ये है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हमें 3 साल हो गए हैं अभी, मैं तो यही कहूँगा सीख रहे हैं, बाकी सीनियर्स साथ हैं और इंशाल्लाह और बेहतर करने की उम्मीद है। तो जो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी सीखी है इसमें वो ये कि अच्छा ब्रीड करवाएंगे तो मर्जी के पैसे कमा लेंगे, ये उसमें नहीं आप सोचिए कि मैं सस्ती चीज़ मुझे अच्छी मिल जाएगी, अच्छी चीज़ के अच्छे पैसे होते हैं। जैसे फैजी भाई अभी भी कह रहे हैं कि भी मेरा लेसर ब्रीड भी 50,000 का होता है, तो वो अच्छी चीज़ है तो वो 50,000 की है। अली भाई ये जिस तरह आपने कहा है ना कि अच्छी चीज के अच्छे पैसे होते हैं, जी जी, इसी तरह मेरा मोबाइल का काम भी है, तो वहाँ लोग आके कहते हैं जी चंगा मोबाइल लेकिन सस्ता चाहिए, तो चंगी चीज सस्ती तो नहीं मिलती, वो चाहे मोबाइल है वो चाहे बर्ड है वो कोई भी चीज है। तो वो इस हॉबी में आप वो एक मिसाल है, बड़ी वैलिड मिसाल है कि लालची आदमी हमेशा गप्पी के हाथों मरता है, तो लालच मत करे, अच्छी चीज सस्ती नहीं होती। ये मिसाल तो आपने दी है, एक वो पंजाबी की मिसाल भी है जी, वो सियाने काम वाली तो इसलिए सियाना खाना बने। देखिए मैं समझ लें एज अ ऑडियंस भी हूँ, तो इन्होंने भी क्या की गप्पी, तो ऑडियंस के जहन में भी आएगा कि गप्पी का होता है, इलैबोरेट करें गप्पी वर्ड। सो गप्पी वर्ड बेसिकली उस बंदे को कहते हैं जो कि लंबी लंबी छोड़ता है। अगर आप गप्पी का कोई एक ह्यूमन फेस हो तो वो ये ये देखें जी, ये गप्पी का ह्यूमन फेस बैठा है यहाँ। और अयाज भाई को क्रेडिट जाता है जी, ये ट्रेंड सेटर भी है इस फील्ड में, रेड आई को सर्वाइवल के लिए इन्होंने सबसे पहले जो है वो खाना खिलाया है दोस्तों को, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी बेहतरीन आ रहा है। और एक ट्रेंड इन्होंने ये भी सेट किया है कि अभी इनके शेड की मालियत उतनी नहीं है जितने के ये खाने खिला चुके हैं, तो अल्लाह ताला आपके शेड में बरकत दे जी। ये बात कम कहा करें क्योंकि कुछ मेरे जानने वाले भी देख रहे होते तो वो कहते यार तू सारा कुछ खो ही जा रहे हैं। नहीं तो आप आपने अपना अपनी फेसबुक आईडी अयाज अनवर गप्पी के नाम से सेव कर लें। नहीं जी बहुत शुक्रिया, ये आज अब खाना आएगा वो आपसे शेयर करेंगे, बाकी गपशप आपने सब भाइयों की देख ली, सबके रिव्यू सुन लिए, इंशाल्लाह बर्डनामा के चैनल पे इनकी पर्सनल और शेड की वीडियोस भी आप वक्तन फोक्तन आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह।